देखिए गाइस, रायते की तैयारी चल रही है। बूंदी डाल दी और क्या आ रहा है भैया? जीरा, काली केसर, इसका नाम है काली केसर। अच्छा, काली केसर। भाई बिना काली केसर के मज़ा नहीं आना रायते में, आनंद ही नहीं आएगा। बिना जी शिमला मिर्च आलू, शिमला मिर्च आलू की सब्जी है ये। बैगन मटर टमाटर आलू, बैगन मटर टमाटर आलू मिक्स रहती है पूरी ये। दाल बनाई है रायते अरहर की दाल है, 60 रुपये की थाली है। तो क्या क्या रहता है थाली में भैया? 3 सब्जी है, जैसे दाल है अरहर की, बैगन टमाटर मटर आलू सब्जी है, जैसे आपकी शिमला मिर्च आलू है, सलाद है, रायता है, 5 रोटी चूल्हे की 60 रुपये। 60 रुपये, 60 रुपये। तो ये सब्जी भैया रोज बदल बदल के रहती है अपनी? शाम दोनों टाइम। अच्छा, सुबह शाम दोनों टाइम बदल के रहती है, सुबह अलग बनेगी शाम को अलग बनेगी। ओए होए, देखिए खीरा कटा हुआ है, प्याज भी है और छुकी हुई मिर्ची भी है। मेन है चूल्हे की रोटी, तवा, बड़ा तवा देखिएगा इस, कितना बड़ा तवा है, और गरम गरम चूल्हे की रोटी का मज़ा ही अलग है। तो रोटी केवल चूल्हे की रहती है यहाँ पर दीदी? जी। मिस्सी रोटी भी मिलेंगी, बाजरे की भी मिलेंगी, सर्दियों में बाजरे की भी मिलेंगी आपको। अभी भी मिस्सी मिल सकती है, बेसन की मिल सकती है, पानी की भी मिलती है, हाथ की पानी की भी मिलती है, मूंग की दाल की रोटी, मूंग की दाल की रोटी। क्या बात है भाई, मूंग की दाल की रोटी भी अगर किसी ने खाई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पर मिल रही है आपको चूल्हे की रोटी। और गर्मा गर्म रोटी, आनंद ही अलग है उसका, बहुत आनंद है इस रोटी का, तो जवाब ही नहीं है। गाइस, आप घर पर बनी हुई कुछ भी खाइएगा, बट अगर चूल्हे की बात आती है ना, तो चूल्हे की रोटी की बात ही अलग है, वो स्वाद ही अलग है। तो देखो कितनी फूली फूली रोटियां निकल कर बाहर आ रही हैं, मिस्सी रोटी भी है, बाजरे की भी है, मक्के की भी है, जैसी चाहे ऑन डिमांड रहती है। बट अभी जो सिक रही हैं वो ये हैं, देखो चूल्हे की बेहतरीन रोटी निकल कर आ रही हैं। प्लेट की तैयारी चल रही है, 60 रुपये की प्लेट है ये देखिए गाइस। तो प्लेट में पहले आ गया सैलेड, आ गया हरी मिर्च दी जाती है, गाढ़ा गाढ़ा रायता आ गया, काली केसर वाला, और एक सूखी सब्जी रहती है ये देखिए, सूखी सब्जी है और वो भी बदल बदल के रहती है, मिक्स तरह की सब्जी रहती है, और एक दाल है ये देखिए, हरहर की दाल है। सुबह आ रहे हो आप तो सुबह आपको अलग मिलेगा, शाम को आ रहे हो तो शाम को अलग मिलेगा, तो ये बेहतरीन बात है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ सुबह का बना हुआ शाम को परोसा जाएगा, यहाँ पर जब भी आप आओगे ताज़ा ताज़ा भोजन मिलेगा। पराठे की कितनी वेराइटियाँ रहती है अपने पास? पराठे की तो बहुत वेराइटी है, पराठा तो 108 वेराइटी पराठे, 108 वेराइटियाँ पराठे की। खाना खजाना मतलब क्या है? खाना खजाना भाई, जैसा नाम है सच में खजाना है यहाँ पर। तो 108 तरह के पराठों में से कुछ क्वालिटी बता दो आप हमें, जो जैसा दो चार जानते हो तो बता ही देंगे। आलू का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, प्याज का, चने का, टमाटर का, मशरूम का, करेले का, मलाई का, भिंडी का, तोरी का, चाहे जैसा पराठा। रबड़ी पराठा भी बहुत फेमस है मैंने सुना है, रबड़ी का, रसगुल्ले का, चॉकलेट का, रसगुल्ले का भी पराठा मिलता है, काजू का, गुलकंदी, संतरे पराठे, नमकीन और मीठा भी बनता है, नमकीन भी और मीठा भी पराठा मिलता है यहाँ पर। तो 108 तरह की वैरायटी है केवल पराठों ही पराठों की। तो देखो चाचा भी आनंद ले रहे हैं, देखो दही और दाल और कौन सा सादा पराठा ये चाचा जी? इंडियन के अंदर पहला नंबर। अच्छा, हाँ, कहीं भी चले जाना आप, ना से कन्नी कन्नी कश्मीर तक, इससे सस्ता खाना बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ये, इतना सस्ता और इतना पूरे बड़े के अंदर। अच्छा जी, 60 रुपये से लगा के 1200 रुपये तक का है, 1200 रुपये तक का है। भोजन में कमी नहीं है। अच्छा, भोजन में कमी नहीं है। और देखिए पूरे ढाबे का व्यू दिखा रहे हैं आपको, बाबा यादराम ढाबा, अनोखे पराठे वालों का ये ढाबा। खाना खा जाना, सीताराम की रसोई में चले आना। तो अभी हम लगवाते हैं अपनी प्लेट। सैलेड आ गई, सैलेड में आपको प्याज मिलेगी, खीरा मिलेगा, मिर्ची आ गई, फ्राई मिर्च चाहिए, और ये सूखी सब्जी। तो ये देखिए सूखी सब्जी लगाई जा रही है। तो सब्जी आपको सुबह अलग मिलेगी, शाम को अलग मिलेगी, बदल बदल कर रहती है। और ये देखिए ये आ गई मिस्सी, मिक्स सब्जी है ये, आलू बैगन मटर की सब्जी है ये। ये दाल आ गई, तो देखिए एक दाल रहती है, एक तरीदार सब्जी रहती है, करी वाली सब्जी रहती है, और एक सूखी सब्जी रहती है, साथ में दिया जाता है रायता। ये देखिए रायता आ गया, गाढ़ा गाढ़ा रायता है, जीरा वीरा मार के और तड़का लगा के। तो ये प्लेट रेडी हो गई, अभी 5 रोटी गर्मा गर्म मिलेंगी एक प्लेट में आपको, चूल्हे की रोटी और बिल्कुल गर्म है। तो 3 तरह की सब्जी है, सैलेड मिलेगी, छुकी हुई मिर्ची, रायता, और केवल 60 रुपये के अंदर है। तो बिल्कुल बढ़िया खाना है ये, और घर वाला खाना दिख रहा है। तो पहले ट्राई करता हूँ यहाँ की आलू की सब्जी।
ठंडा ठंडा पानी और स्वादिष्ट थाली, आनंद ही अलग है। रायता टेस्ट किया जा रहा है। रोटी क्या ले ले। ये देखो भाई, गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी आ रही है, बिल्कुल गर्म है एकदम और फुली फुली, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। ये खाना होता है, ये खाना होता है देसी खाना, और इस खाने का जवाब नहीं है गाइस, शब्दलेस होता है, केवल आनंद लिया जाता है इस खाने का, शब्दों में बयान नहीं किया जाता। कभी आप आ रहे हो आगरा के अंदर TDM मॉल के पास आ रहे हो, आई लव आगरा के सामने, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आइएगा और आनंद लीजिएगा इस थाली का, सच में आनंद आ जाएगा आपको। इतना बेहतर स्वाद मिल रहा है आपको केवल 60 रुपये के अंदर, और पेट फुल हो जाएगा। मैं ही नहीं खा रहा, यहाँ पर देखो जितने भी बैठे हैं सभी थाली का आनंद ले रहे हैं। कैसा स्वाद है भैया? 15 साल पुराने कस्टमर है देखो भैया। मैं डेली दोपहर में सुबह का भोजन नहीं करता। बंदा हुआ है आपका? बंदा हुआ है डेली, और रात में भी 12 बजे यहाँ से खाना लेके जाता हूँ मैं। इनके चावल बढ़िया, खाना बढ़िया, पराठे बढ़िया, लस्सी भी मिलती है। अपने आंखों देखा है, बिल्कुल एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध शुद्ध, घर जैसी फीलिंग आती है। चलिए मैं लेता हूँ यहाँ की थाली का आनंद, और आप लीजिए इस वीडियो का आनंद। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ढेर सारे स्वाद के साथ। वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो बिना के लाइक कर देना, ढेर सारे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसी मज़ेदार स्वाद के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।